उत्तर नंबर तीन, खानदानी निज़ाम में तब्दीली। वक्त के साथ साथ खानदानी निज़ाम में तब्दीली आ रही है। किसी ज़माने में दादा दादी, माँ बाप, चाचा चाची और हकीकी और रिश्तेदार के भाई, इन सब से मिलकर एक खानदान बनता था। इसे मुश्तरिक खानदान कहा जाता था। सब लोग एक साथ रहते थे। मुलाजिमत, कारोबार, तिजारत के सबब एक खानदान के अफराद अलग अलग मुकामात पर रहने लगते हैं। इस तरह इनके अलग खानदान बन जाते हैं। ऐसे खानदानों को मुनफसल खानदान कहा जाता है। इस तरह खानदानी निज़ाम में तब्दीली होती गई। प्यारे बच्चों, आइए अब हम खानदान में हमारी जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं। पानी भरना, खाना पकाना और सफाई किसी भी घर में रोज़ाना किए जाने वाले काम है। घर में तकरीबात होती है, त्यौहार मनाए जाते हैं, मेहमान आते हैं, इनकी खातिर मुदारत करनी पड़ती है, बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। घर में इस किस्म के बहुत से काम हुआ करते हैं। इन कामों को सबों ने आपस में बांट लेना चाहिए। घर के काम सभी मिलकर करें तो किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता। घर के सभी छोटे बड़े काम अहम होते हैं। ये काम मुहब्बत और अपनाइए से सभी करते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप ये बताइए कि हमें घर की सफाई और आराइश क्यों करना ज़रूरी है। अपना घर अगर साफ सुथरा और सलीके से रखा हो तो हमें खुशी होती है। घर में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा हो तो किसी को ज़रूरत की कोई चीज़ वक्त पर नहीं मिलती। घर को साफ सुथरा रखना खानदान के सभी लोगों की जिम्मेदारी है। घर का कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके, इसे कचरे की खास टोकरी ही में डाले। कचरा घर के बाहर तो बिल्कुल ना फेंके, इससे अपने माहौल को साफ रखने में मदद मिलेगी। प्यारे बच्चों, आप इस बात को भी जहन में रखें के घर का गीला और खुश्क कचरा अलग रखें, उसे दो अलग अलग टोकरियों में डालें। गीले कचरे से खाद तैयार की जा सकती है। सूखे कचरे से कागज़, शीशा और टीन अलग किए जा सकते हैं और इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि मोबाइल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इसी तरह कंप्यूटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक अशिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा है। ये चीज़ें ख़राब हो जाए तो हमेशा के लिए बेकार हो जाती है। इन बेकार चीज़ों का जो कचरा जमा होता है, इसे ई कचरा कहा जाता है। ई कचरा ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ा मसला है।